नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल एक मेडिकल टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, प्री डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक पेशेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब पेशेंट अपने शुगर का टेस्ट करवाता है तो उसके ब्लड के सैंपल में शुगर हाई तो आता है, पर इतना हाई नहीं आता कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ में कंसिडर किया जाए। दोस्तों, यह स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यदि आप एक अलर्ट सिटीजन हैं और अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं तो यही वह स्टेज है जिसमें लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके और प्रॉपर मेडिकेशन लेके आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और यदि आपने ध्यान नहीं दिया, इन सिम्टम्स को इग्नोर किया, तो 5 से 10 साल में प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्री डायबिटीज़ क्या होता है, प्री डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, प्री डायबिटीज़ रेंज क्या होती है और इसके क्या कॉज हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, हमको क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्री डायबिटीज़ रेंज क्या होती है। जब किसी पर्सन का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 99 हो या उससे कम होता है तो वह नॉर्मल होता है, और यदि 126 mg या उससे ज़्यादा होता है तो वह पेशेंट डायबिटिक कहलाता है। पर यदि पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 125 mg के बीच में होता है तो उसे प्री डायबिटीज़ कहेंगे और उस पेशेंट को प्री डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पर यदि प्री डायबिटीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, प्री डायबिटीज़ के कोई मार्क सिम्टम नहीं होते हैं, बट यस, प्री डायबिटिक पेशेंट में स्किन में डार्कनिंग देखी गई है, स्पेशली उसके अंडर आर्म्स, ग्रोइन रीजन और उसके नेक के अराउंड स्किन की डार्कनिंग हो जाती है। और यदि इस टाइम ध्यान नहीं दिया गया तो ये केस डायबिटीज़ में मूव कर जाता है और उसके सिम्टम्स इस तरह से होंगे। इसमें पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसका गला और मुंह बार बार सूखता है, इसलिए उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, वो बार बार यूरिन के लिए जाता है। इसमें पेशेंट का वज़न बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगता है, वो जल्दी थक जाता है और कोई इन्फेक्शन भी उसको बहुत जल्दी पकड़ लेता है। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और यदि पेशेंट को कोई घाव हुआ है या कोई चोट लगी है तो वो भरने में भी टाइम लगता है। दोस्तों, लोगों को यह लगता है कि शुगर खाने से डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, पर शुगर खाना ही अकेला एक इसका कारण नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कल से बहुत सारा मीठा खाना शुरू कर दें। शुगर इनडायरेक्टली ज़रूर डायबिटीज़ पर असर डालती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब शुगर ज़्यादा लेते हैं तो पेशेंट का वेट गेन हो जाता है और वेट गेन होने के कारण शुगर और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ तो अननोन है, पर कई ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनके कारण पेशेंट को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हो जाता है। उसमें से नंबर 1 पे यह है कि जब पेशेंट का किसी भी कारण से वज़न बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। नंबर 2, पेशेंट की वेस्ट लाइन मतलब कमर की चौड़ाई यदि बढ़ जाती है, जैसे कि मेल में 40 इंचेस से ज़्यादा या फीमेल में 35 इंचेस से ज़्यादा, तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि पेशेंट इनएक्टिव हो तो भी ऐसा हो सकता है, मतलब पेशेंट सेडेंटरी लाइफ जीता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में भी रन कर रहा है डायबिटीज़ तो भी उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह किसी भी एज में भी हो सकता है, लेकिन 35+ लोगों को इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि किसी का BP हाई होता है, उसका गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है या उसको PCOD की शिकायत होती है तो भी प्री डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को इग्नोर किया जाए तो इट कैन डैमेज हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है, या नर्व को डैमेज कर सकता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है और लॉस ऑफ विजन भी देखा गया है। यहाँ पर अब यदि मैं इसके प्रिवेंशन की बात करूँ तो जितने भी मैंने रिस्क फैक्टर पहले डिस्कस किए हैं उन सब पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे यदि आपको BP और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो उसको भी कंट्रोल करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग पे भी आपको ध्यान देना है, उस पे भी कंट्रोल करना है, वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, एक्सरसाइज करना है, शुगर का इंटेक कम कर देना है और प्रोसेस फूड नहीं लेना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, हेल्दी खाना खाना है और वाटर का इंटेक बढ़ा देना है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। इस कड़ी में नंबर 1 पर मेडिसिन है और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के लिए,
शाइजीजियम जम्बोलेनम। दोस्तों यह मेडिसिन जामुन के सीड या बीज से बनी हुई होती है एंड एज यू ऑल नो दैट जामुन कितनी अच्छी रेमेडी है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, उसकी बॉडी में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके अपर बॉडी में बहुत प्रिकली हीट फील होता है, मतलब उसको बहुत चुभती हुई सी गर्मी होती है, उसका वजन जल्दी जल्दी यदि गिर रहा है, उसको थकान लगती है और यदि कोई पुराना अल्सर वो ठीक नहीं हो रहा है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन होती है एब्रोमा ऑगस्टा। दोस्तों ये मेडिसिन एब्रोमा ऑगस्टा नाम के प्लांट से बनी हुई होती है, उसे डेविल्स कॉटन भी कहते हैं और हमारी इंडियन हिस्ट्री में इस प्लांट का यूज़ बहुत समय से किया जा रहा है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में और फीमेल डिसऑर्डर को ठीक करने। इसलिए जब पेशेंट के ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो, उसको नींद ना आने की बीमारी हो, कोई फीमेल प्रॉब्लम हो या शरीर में किसी कारण से सूजन आ गई है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन होती है फॉस्फोरिक एसिड। दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड जितनी भी हमारे शरीर में पैनक्रियाटिक डिजीजेस हैं उन सब पे अच्छा काम करती है एंड एज यू ऑल नो दैट डायबिटीज़ एक पैनक्रियाटिक ओरिजन बीमारी है। दूसरी बात यह है कि यदि पेशेंट को डेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड ग्रुप होने के कारण इस सिम्टम को भी बहुत अच्छे से कवर करता है। दोस्तों इसलिए डायबिटीज़ के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड दी जा सकती है। इस कड़ी में चौथी मेडिसिन होती है नेट्रम्फोस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये एसिड बढ़ने का कारण बॉडी में शुगर बढ़ना भी हो सकता है डायबिटीज़ के कारण। तो यदि पेशेंट में इस तरह की तकलीफ मैच कर रही है तो नेट्रम्फोस बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें पेशेंट को साल इरेक्टेशन आते हैं, हार्ट बर्न की शिकायत होती है, उसको साल वोमिटिंग हो सकती है, तो यदि इन तकलीफ़ों के साथ पेशेंट को यदि लिवर की भी कंप्लेंट बनी हुई है और पेनक्रियास की भी कोई दूसरी डिजीज़ है तो नेट्रम्फोस को दिया जा सकता है। इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन होती है बीसी नंबर 7 मींस बायो कॉम्बिनेशन 7। यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बायोकेमिकल सॉल्ट का। जब पेशेंट को पूरी डायबिटीज़ की पिक्चर बन रही हो, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे इमिशिएशन हो, उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, तब यह मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इफ़ेक्टिव लगा है और आपको प्री डायबिटीज़ के टर्म को समझने में, उसको क्योर करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।